रेखाएं होती है युगपत समीकरण युग्म में, ये कितने हल होंगे इन दोनों के? चलिए ए वन बाई ए टू, दो बट्टा में चार कट के एक बट्टा दो हो जाएगा। बी वन बाई बी टू, वाई के गुणांक तीन बट्टा में छः, ये भी एक बट्टा दो हो जाएगा। सी वन बाई सी टू, आठ बट्टा में सोलह, एक बट्टा दो, ये भी हो जाएगा। तो तीनों बराबर आ जाए, इसके मतलब इसके अनंत हल हो जाएंगे।